महाराष्ट्र में बिल्डिंग बनाने की परमिशन अब ऑनलाइन से की गई ऑफलाइन, एकनाथ शिंदे सरकार पर उठने लगे सवाल। मुंबई एक तरफ केंद्र सरकार प्रशासन को पारदर्शी बनाने के मकसद से सभी विभागों के डिजिटलाइजेशन पर जोर दे रही है, वहीं महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पहले से डिजिटल प्रक्रिया को ऑफलाइन कर रही है। नगर विकास विभाग के 1 सितंबर को जारी आदेश में सभी महानगर पालिकाओं, मुंबई को छोड़कर विकास प्राधिकरणों और अन्य विभागों को बिल्डिंग निर्माण की सभी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को ऑफलाइन करने के लिए कहा गया है। पहले ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन थी। राज्य की सभी महानगर पालिकाओं, जिला परिषदों और अन्य विकास प्राधिकरणों के अधीन होने वाले इमारत निर्माण की एक नियमावली है। इमारत निर्माण से पहले संबंधित बिल्डर, निर्माणकर्ता, जमीन मालिक आदि को संबंधित विभाग से समय समय में इजाजत, NOC, CC, OC आदि लेने पड़ते थे। अब तक ये सारी प्रक्रिया महाराष्ट्र सरकार की महा IT कंपनी द्वारा विकसित BPMS सॉफ्टवेयर प्रणाली पर ऑनलाइन पूरी की जाती थी, लेकिन अब सरकार कह रही है कि BPMS में कुछ तकनीकी कमी है, जिसके चलते अगले 4 महीने तक इस पर रोक लगा दी गई है। अब ये सारी प्रक्रियाएं ऑफलाइन होंगी। पारदर्शिता में आय की कमी। पूर्व नगर सेवक रोहित सुवर्णा का कहना है कि सरकार के इस आदेश से पारदर्शिता में कमी आएगी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। महा IT बड़ी कंपनी है, BPMS की तकनीकी कमी बताकर सारी प्रक्रिया को ऑफलाइन करना सरकार की नीयत पर सवाल उठाता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। NCP के पूर्व जिलाध्यक्ष अंकुश मालूसरे का आरोप है कि नगर रचना विभाग मलाईदार विभाग है, ये CM के अधीन आता है। ऑफलाइन पद्धति से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। लग रहा है शिंदे सरकार चुनावी खर्च जमा कर रही है। एक बिल्डर ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि नगर रचना विभागों में हर काम की कीमत प्रति वर्ग फीट के हिसाब से तय है। ऑनलाइन पद्धति से थोड़ी पारदर्शिता रहती है।